बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं मिस्टर परदेसी, टेक्निकल इन्फो ब्लॉग में आपको खुशामदीद। तो जी, आज हमारे क्लास हो रही है कंट्रेक्टर के मुतल्लिक, जो एसी में लगाया जाता है। एचवीएसी के अंदर जो कंट्रेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कितनी अकसाम है और किस मकसद के लिए लगाया जाता है, और उसके कनेक्शन के बारे में आपको थोड़ी सी मालूम फराहम की जाएंगी। तो आप लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जी। आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एक कंट्रेक्टर, या मैंने कंट्रेक्टर भी इसको कहते हैं, या रिले भी कहते हैं, सेफ्टी रिले भी कहते हैं। तो हमारे जो है आर ए सी में या एच वी ए सी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है तीन चार किस्म के होते हैं। वैसे तो इसकी दर्जनों किस्म है। तो हमारी जो पहली किस्म ए सी की है जी, वो सिंपल कंडक्टर इसमें यूज़ होता है, सिंगल पोल उसको कहते हैं जी। सिंगल पोल कंडक्टर जो है, ये वाला पॉइंट जो है इसका, देखिए आप, ये वाला ये इन है, ये आउट है। तो ये साइड में जो लगे हुए कनेक्शन हैं, ये लूप लगी होती हैं, यहाँ पे एक तरफ 220 है, दूसरी तरफ इसकी न्यूट्रल केबल आएगी, ठीक है जी। इसी तरह ये टू पोल है, टू पोल भी इसी तरह, ये इनपुट है इसकी और ये आउटपुट है। तो यहाँ पे हम अपनी मेन लाइन जो है 220 की वो देंगे, और यहाँ से इसको जो है 220 एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो है न्यूट्रल इसकी जो है वो बोर्ड से जो कंट्रोल होके आती है नीचे से, वो वाली लाइन हम इसको देंगे ताकि इसको रिले को ऑन किया जा सके, इसके कंडक्टर को ऑन किया जा सके या ऑफ किया जाए। इसी तरह जो ये थ्री पोल है, ये थ्री फेस जो है कंप्रेसर, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी यही सिचुएशन है जी। आप देखें जिसमें जो इनपुट है, ये तीन पोल है, इसमें एक तरफ से इन है, दूसरी तरफ से आउट है। सिंगल पोल का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर जो है सिर्फ कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिर्फ कंप्रेसर को कंट्रोल किया जाता है, जबकि डबल पोल में आपको कंप्रेसर और फैन दोनों कंट्रोल करने को मिल सकते हैं। आप इसके जरिए जो है दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये थ्री फेस जो है, इसको मुकम्मल तौर पर पूरे यूनिट को आप आउटडोर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी, इसके साथ जो है हम आपको जो है तस्वीर कुछ चंद एक दिखाएंगे, उसके मुतल्लिक जो है ये कंडक्टर के मुतल्लिक, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इंशाल्लाह फराहम की जाएगी। ये आपके सामने चंद तस्वीर दिखाई गई हैं, जिसमें हमारा पहली किस्म जो है वो सिंगल पोल कंडक्टर की है। तो इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, ये कंट्रोल करता है। और दूसरी किस्म जो है हमारी, इसमें सामने जो है रिले दिखाई गई है, मैग्नेट जो है रिले दिखाई गई है, जिसको कंट्रोल करके हम लोग इसको कट आउट या ऑन करवाते हैं। तो ये कट आउट या ऑन कैसे करता है, जो नीचे से हमारा थर्मोस्टेट होता है उसके कंट्रोल से जो इसको वोल्ट आ रहे होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, तो ये उसको कंट्रोल करता है। जब जैसे ही हमारे रूम टेम्परेचर पूरा होता है, तो ये रिले को कट आउट करवाता है, जिससे हमारा सर्किट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, और कंप्रेसर जो है उसका आउटडोर का कंप्रेसर जो है हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो केएसए से हमारे एक स्टूडेंट है जी, उन्होंने हमसे पूछा कि ये किस लिए लगाया जाता है एसी में। तो मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली हमारे जो है यानी ये सेफ्टी स्विच ही होते हैं, ये भी एक तरह का सेफ्टी का ही काम करते हैं। ये हमारे एसी को सेफ रखने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसमें जो है ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसके ज़रिए जो है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके कनेक्शन क्या हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ L1 ऊपर, L2, L3, L4। तो ये L1, L2 और 3 जो है ये इनपुट है इसकी फेस की, और 4 जो है इसकी न्यूट्रल है, और ऐसे ही T1, T2, T3 जो है इसकी आउटपुट है। तो ये हमारे कंडक्टर जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके ऊपर सब कुछ मेंशन किया होता है कि उसमें 12 वोल्ट कहाँ पे जाने हैं, 24 वोल्ट कहाँ पे जाने हैं, और इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है, और 220 वोल्ट के इन और आउट कहाँ से लेनी है। ये देख सकते हैं आप, डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे ये भी बहुत खुशी हुई देख कर के, आप लोग कमेंट में के ज़रिए जो है मुझसे शेयर कर रहे हैं कि हम आपका चैनल जो है बहुत अच्छा है, बहुत सी मालूमात हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी मेहनत जो है बार बार आ गई है, अगर आप लोग इसी तरह तवज्जो से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे।
और बहुत से मैंने लोकेशन देखी है। हमारा जो है चैनल है इंशाल्लाह ये बहुत से मुल्कों में देखा गया है, कनाडा में, बरतानिया में, अमेरिका में, यूएसए में, इंडोनेशिया, मलेशिया। मैंने लोकेशन जो देखी है माशाल्लाह काफ़ी जो है हमारे स्टूडेंट जो है वो वहाँ से शेयरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास 20 जो थी वो मुकम्मल हुई। अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।